भिलाई शंकराचार्य कॉलेज में दुर्ग बैडमिंटन संघ द्वारा कराए गए 5 दिवसीय भव्य बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन 16 अक्टूबर को हुआ। प्रदेश भर से सैकड़ों की तादाद में अंडर 11 और अंडर 13 की टीम के खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के समापन पर नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से शामिल रहे। भिलाई में हुए इस भव्य आयोजन के बारे में आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को इस तरह से बताया। दुर्ग जिला एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों का मैं दिल से धन्यवाद दूंगी कि सब ने एकजुट होकर इस कार्य को किया और एक सफलतम आयोजन किया। इसमें लगभग 300 से ऊपर प्रतिभागी आए थे और इसमें अंडर 11 एंड अंडर 13 दो तरीके के इसमें बैचेस हुए थे। अंडर 11 पहली बार हमारे दुर्ग स्टेट लेवल का चैम्पियनशिप हुआ था अंडर 11, जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है। अंडर 13 पहले भी हो चुका है, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि दुर्ग जिला को ये ऐसा पहला मौका मिला जिसमें वो कार्य कर सका। अब मैं उन सभी का जिन्होंने इसमें हमें सहयोग करा, सबसे पहले तो शंकरा कॉलेज के IP मिश्रा जी और जया मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतनी सुंदर यहाँ व्यवस्था दी। फिर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जितेन नाहर जी, उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। अनूप बंसल जी जिन्होंने, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे ऐसे 10-15 लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करा और सपोर्ट करा। इसमें अनमोल ज्वेलर्स वालों का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्याम केमिकल वाले, मॉर्निंग ग्रुप वाले, सुबोध सर और जवाहर जी, इन सभी का, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर उन सभी के सहयोग से ये एक सफलता आयोजन हो पाया। राज्य बैडमिंटन संघ से मान्यता प्राप्त दुर्ग जिला बैडमिंटन संघ द्वारा पहली बार अंडर 11, अंडर 13 के बच्चों का सिंगल्स और डबल्स दोनों स्टेट लेवल मैच यहां पे खेला गया। लगभग 12 तारीख से 16 तारीख तक लगभग 320 से ऊपर बच्चों ने इसमें भाग लिया। मैं दुर्ग जिला बैडमिंटन संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ऑल इंडिया सेक्रेटरी संजय मिश्रा जी हैं, हमारी संगीता जैन जी है, मीनाक्षी जैन जी है, संगीता राजगोपालन जी है और विनय विश्वास जी है। मैं पूरे संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे चिरंजीवी जैन जी हैं जो सदस्य हैं, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो जीते हैं, और जो किसी कारण से नहीं जीत पाए उनको भी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे खेल का यहाँ प्रदर्शन किया खेल भावना के साथ। आयोजन बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा, ऐसा आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बच्चों को यही संदेश है, इंडिया आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिसिपेट होए और अच्छे से खेलें। अंडर 11 एक्चुअली इस साल से पहली बार ये शुरू हुआ है। इस अंडर 11 की नेशनल चैम्पियनशिप भी होगी जो कि नोएडा में नवंबर में होने वाली है। पहली बार अंडर 11 का आयोजन किया गया और उसके हिसाब से लगभग, जो मुझे पता चला है, लगभग 350 बच्चे अंडर 11 और अंडर 13 में 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये स्पेशली बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा साइन है, इतने कम एज ग्रुप के बच्चे पूरे राज्य भर से आके यहाँ पे खेल रहे हैं। और जैसा मैंने अभी एक दो मैच देखा, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के, ये बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर तक बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से दुर्ग जिला बैडमिंटन संघ काम कर रहा है, मीनाक्षी जैन जी हैं, संगीता राजगोपालन जी हैं, तो दुर्ग जिला भी अपने टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज कर ही रहा, और जिस तरह से इतना शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का किया है तो वो बधाई के पात्र हैं। और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ दुर्ग से, भिलाई से या रायपुर से, पूरे छत्तीसगढ़ से बैडमिंटन के टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे और पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।